हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, दिस वीडियो रिगार्डिंग द क्यूपीवाई एग्जामिनेशन 2022 सेशन राइट। सो आपके 2021 क्यूपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एग्जामिनेशन जो होने वाले थे, द डेट्स विल बी 22 मई 2022। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वारी है, हेवी डिमांड क्वारी है, मतलब जस्ट लाइक कि भैया क्या क्यूपीवाई एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, राइट। और एक इम्पोर्टेंट आपको अपडेट में बता देता हूँ, क्यूपीवाई एग्जाम का मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है क्यूपीवाई का, दिस इज जनरली ये होता है कि आप 11th क्लास में जस्ट जिस साल इनरोल हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर क्यूपीवाई एग्जाम, एंड अगेन इफ़ यू आर इवन 12th क्लास, देन यू आर एलिजिबल फॉर क्यूपीवाई एग्जाम, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड और यू एंड यू आर ऑलरेडी जस्ट लाइक 12th पास आउट, देन यू आर नॉट एलिजिबल। यानी कि आपने अगर इस साल 12th पास आउट करने वाले हैं आप, यानी कि 2022 के अंदर, और आपने अगर क्यूपीवाई का फॉर्म अगर फिल नहीं किया है, देन आप क्यूपीवाई का एग्जाम नहीं दे सकते। क्यूपीवाई का एग्जाम जो है ये उस सेशन का चल रहा है जो कि सितंबर में या फिर अगस्त 2021 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, और जो बच्चे उस टाइम पे 11th क्लास में थे या फिर 12th क्लास में थे, वो जस्ट अप्लीकेबल है। अब जो नए जो फॉर्म आने वाले हैं उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नए फॉर्म आने वाले हैं उनके लिए कौन एलिजिबल है, या नए जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वो अगस्त और सितंबर में आएंगे, और उनके लिए जो बच्चे जो है 11th क्लास में हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी बच्चे, क्योंकि जो है अभी 10th का एग्जाम जो दे रहे हैं, जो 11th में होने वाले हैं वो अप्लीकेबल है। देन एक जो है जो बच्चे अभी 11th का एग्जाम दे चुके हैं या फिर एक दो महीने में दे देंगे, ऑलमोस्ट दे चुके हैं 11th वाले, 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, देन यू आर एलिजिबल। यानी कि जो बच्चे 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, वो बच्चे एप्लीकेबल है, और जो बच्चे 2023 में 11th का एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे एप्लीकेबल हैं। जिन बच्चों ने 12th पास इस साल करने वाले हैं और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्यूपीवाई एग्जाम, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं यार, क्या क्यूपीवाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। सर, ड्यू टू दिस सिनेरियो ऑलमोस्ट आपके जो इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आपके कोई से भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट एग्जाम जो है जुलाई के अंदर होने वाला है, जून के अंदर होने वाला है। स्पेशली अगर जेई का एग्जाम देख लो या फिर आप किसी का देख लो, आईसर के एग्जाम की अगर अपन बात करें तो आईसर का जो एग्जाम होने वाला है वो जो है 3 जुलाई तक पोस्टपोन्ड कर दिया गया है IAT टेस्ट का, राइट। सो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वारी आ रही है कि भैया जो है हमारा क्यूपीवाई से जो टेस्ट से जो एडमिशन होते हैं वो एक तो जस्ट लाइक IISc बेंगलोर में होगा, देन हमारा सेकेंड जो है आईसर के अंदर होगा, जितने भी आईसर्स हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, और जस्ट आईसर का जो एडमिशन है वो जस्ट लाइक IAT टेस्ट के एडमिशन के बाद और जस्ट जेई एडवांस के बाद होगा, देन जस्ट इन लोगों को क्यूपीवाई भी पोस्टपोन्ड करना चाहिए, क्योंकि पहले इसका एडमिशन लेने का मतलब क्या है, राइट। सो जस्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ यार, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगस्त के अंदर स्टार्ट हो चुके थे, या फिर सितंबर में, आप मान लो लास्ट अगस्त या फिर 1 सितंबर में मान लो कि आपके क्यूपीवाई के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके थे। आपके जो जनरली जो एग्ज़ाम होने थे वो होने चाहिए थे जस्ट दिसंबर के अंदर, ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन 10 जनवरी तक इसको एक्सटेंड किया गया। ड्यू टू जनवरी के अंदर COVID-19 सेशन 2 फिर से आ गया था, यानी कि कोरोना वायरस सेकेंड, देन जो है फिर से लॉकडाउन लगाया गया और इसको जो है 22 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब स्टूडेंट की ये डिमांड है कि भैया इसको जो अदर एग्जाम्स की तरह, क्या इसको पोस्टपोन होना चाहिए, क्या ये होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आज जो है 29 अप्रैल हो चुका है, और जो है हमें जो है पहले बीच के अंदर 22 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक जो है हमारी सिटी चेंज करने का ऑप्शन भी दिया गया था। अगर आपके कोई इश्यू हो तो आप चेंज कर सकते थे, राइट। सो अब बेसिकली ये क्वेश्चन है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। सो गाइस, एग्जाम बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड होने के कुछ भी चांसेस नहीं है। अभी जस्ट कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो अगर लॉकडाउन लग जाता है देन कुछ मतलब पोस्टपोन्ड
हो सकता है, वरना अदर कुछ भी चांसेस नहीं है पोस्टपोन होने के, बिकॉज पोस्टपोन एग्जाम जो है ऑलमोस्ट 3 times हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिसंबर में होने वाला था जनवरी में हो गया, जनवरी तो डायरेक्टली मई के अंदर हो गया। यार आपके दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला था वो मई के अंदर हो रहा है, तो आप जस्ट अनुमान लगा सकते हैं जस्ट लाइक जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लास्ट में हो रहा है 22 मई 2022 को। सो जस्ट सिनेरियो इज वेरी बैड। एंड अगर इसको हम अगर जुलाई में कंडक्ट कर देते हैं फिर से नए एप्लीकेशन फॉर्म जो अगस्त के अंदर आएंगे, सो जस्ट इसके जस्ट इफेक्ट पड़ता है एडमिशन्स के अंदर। और यार जस्ट लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि ये सारा का सारा झंझट दिसंबर में ही ख़त्म हो जाता तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ता। अदर एग्जामिनेशन भी बहुत सारे हैं, जेई मेन है, जेई एडवांस है, बोर्ड के एग्जामिनेशंस है, आईसर है, नाइसर है, आईएसआई है, सीएमआई है, इन सब पर हम फोकस करते, लेकिन जस्ट लाइक ड्यू टू इस इश्यू के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि भैया इसको पोस्टपोन होना चाहिए, तो यार पोस्टपोन होने के बहुत कम चांसेस है। आप रियलिटी नो मान सकते हो कि पोस्टपोन नहीं होगा, तो जस्ट आपको पढ़ते रहिए। एक महीना क्या आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने CMI के लिए अप्लाई किया है तो आप जस्ट CMI की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, कुछ ऑर्डर आ रखा है कि जो बच्चे KUPY का टेस्ट देने वाले हैं वो जस्ट जो है CMI का एग्जाम जो है 23 मई को दे सकते हैं। सो इस प्रकार से इश्यू बना हुआ है, तो आपको पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, आपके पोस्टपोन बहुत कम चांसेस है कि हो जाए। अगर COVID-19 सिनेरियो कुछ ज़्यादा होता है देन पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज सिचुएशन इज वेरी बैड। अभी जो कोविड के जो केसेस है, COVID-19 वेरियंट 3 के जो केसेस है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पर डे 4000 केसेस आ रहे हैं हर रोज, 14 लॉकडाउन लगने के चांसेस भी बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो जस्ट मास्क लगाइए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, खूब पढ़ते रहिए और जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट दीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।